तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब वेस्ट स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं, क्लास 12th की वीडियो है अपनी और सब्जेक्ट है अपना इकोनॉमिक्स। पार्ट है इसका 6th, जो इसका 5th पार्ट था वो अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हो। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों के ऊपर में हम चर्चा कर रहे थे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है दोस्तों, बात करने वाले हम चैप्टर 3 के ऊपर में। ठीक है दोस्तों, आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करने से पहले हमें जो है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको आज ये जो पूरा का पूरा जो बॉक्स में दिया हुआ है ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत ईजी भी है और बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे बॉक्स के ऊपर कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे सामने है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है दोस्तों सकल। क्या होता है ग्रॉस का मतलब होता है सकल। अगर हम बात करें नेट की कि नेट का मतलब क्या होता है, तो नेट का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, नेट का मतलब क्या होता है शुद्ध, या आप इसे कह सकते हो, आप इसे निवल भी कह सकते हो। ठीक है, बात करते हैं नेशनल की, तो आपको पता ही है नेशनल का मतलब क्या होता है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। और डोमेस्टिक, बात करते हैं हम डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। ठीक है, आ जाते हैं हम थर्ड बॉक्स के ऊपर में, तो थर्ड बॉक्स एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। अगर हम हिंदी में बात करें तो एमपी का मतलब हो गया है बाजार कीमत, बाजार कीमत। और फैक्टर कॉस्ट की बात करें हम, फैक्टर कॉस्ट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कारक लागत। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हो गया कारक लागत, कारक लागत हो गया। अब हम बात करते हैं इन तीनों की, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी, ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो डेप्रिसिएशन आपको पता ही है क्या होता है, मूल्य ह्रास। बात कर चुके हम इसके बारे में, मूल्य ह्रास होता है, बहुत बार हम अपनी वीडियोज में देख चुके हैं। ठीक है, NFIA, NFI का एक का मतलब होता है दोस्तों, इसको समझना है आपको बहुत अच्छे से। इससे पहले मैं आपको NIT बता दूं, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हम बात करें क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम हिंदी में बात करें इसे तो क्या कहते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, एनआईटी को हम बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास आपको पता ही है, बहुत बार वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, अगर नहीं पता है तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और एनएफआईए, एनएफआईए का मतलब बताना दोस्तों बहुत जरूरी है, ये वाला बच्चों को समझ में कम आता है। इसका मतलब होता है से माइनस को। ठीक है, से माइनस को, मैं आपको पेज पलट के दिखाता हूँ, से माइनस को देखो, जैसे NFI होता है ना, NFIA, तो इसका मतलब अगर हम इंग्लिश में बात करें इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या मतलब होता है, नेट फैक्टर इनकम, IN, इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, इसे हम कहते हैं से माइनस को। ठीक है, से माइनस को से क्या मतलब है आपका, विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को प्राप्त कारक आय। ठीक है, विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को प्राप्त कारक आय। ठीक है, NFIA आपको समझ में आ गया, ग्रॉस बता दिया, नेट बता दिया, नेशनल बता दिया, डोमेस्टिक बता दिया, एमपी बता दिया, एफसी बता दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया, एनएफआईए बता दिया और एनआईटी बता दिया। अब देखो हमारा जो मेन है वो क्या है, जो मेन है दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने ये ग्रॉस, ग्रॉस इज इक्वल टू प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इज इक्वल टू माइनस डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है दोस्तों। जब आप नेशनल इनकम के क्वेश्चन करोगे तो उस समय क्या होगा, आपको ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें क्या होगा कि आपको एनएनपी एमपी या जीडीपी एफसी, मतलब आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि एनएनपी एमपी आपके पास है, आपको जीडीपी एफसी बनाना है, ऐसा कुछ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या माइनस करना है मुझे और क्या प्लस करना है, इसलिए जो है आपको ये समझाया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, मान के चलिए आपको क्या करना है, आपको नेट से जाना है, किस पे? नेट से जाना है आपको ग्रॉस पे। ठीक है, ये नेट से आपको जाना है ग्रॉस पे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे प्लस डेप, क्या करोगे प्लस डेप, और इसी प्रकार से आपको ग्रॉस से आना है कहां, नेट पे, ग्रॉस से नेट पे आना है तो आप करोगे माइनस डेप, क्या करोगे माइनस डेप। उसी प्रकार से अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, ये है नेशनल और आपको कहां पे जाना है डोमेस्टिक पे, तो आप क्या करोगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर नेशनल से जाना है कहां पे, आपको जाना है डोमेस्टिक पे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे माइनस एन एफ आई ए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एन एफ आई ए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको डोमेस्टिक से कहां जाना है नेशनल पे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे प्लस एन एफ आई ए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं अब किसकी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट की। ठीक है, अगर आपको जाना है फैक्टर कोस्ट से कहां पे, फैक्टर कोस्ट से आपको जाना है मार्केट प्राइस से, सॉरी मार्केट प्राइस से आपको कहां जाना है फैक्टर कोस्ट पे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे माइनस एन आई टी, क्या करोगे माइनस एन आई टी। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहां से जाओगे, आप फैक्टर से जाओगे मार्केट प्राइस पे जाओ, मार्केट प्राइस से जाओगे फैक्टर कोस्ट पे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप फैक्टर कोस्ट से यानी कारक लागत से जाओगे कहां पे, बाजार कीमत पे, तो आप क्या करोगे प्लस एन आई टी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको क्या बता दिया, नेशनल ग्रॉस नेट के बारे में बता दिया, ये नेशनल और डोमेस्टिक के बारे में बता दिया, बाजार कीमत और कारक लागत यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट के बारे में बता दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया, एनएफआई किस प्रकार से काम करता है बता दिया, एनआईटी किस प्रकार से काम करता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, और कहां से हम कहां पे जाएंगे तो क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास है आपके लिए बहुत इजी सा एग्जांपल, जिससे आपने जो भी सीखा है आप यहां पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमारे पास एक वर्ड वो है एनएनपी, एनएनपी एमपी। ठीक है, एनएनपी एमपी, और हमें जाना है जीडीपी एफसी पे। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए पहला एन जो होता है, पहला एन होता है नेट, हमेशा याद रखना, दूसरा जो एन होता है वो होता है नेशनल। ठीक है, पी तो पता है, पी प्रोडक्ट सेम है इसमें, तो इसमें कहीं पे नहीं जाना, और एमपी जो है, एमपी होता है मार्केट प्राइस और एफसी होता है फैक्टर कोस्ट। ठीक है, तो अब हम यहां से जाएंगे उस साइड, देखते हैं क्या होता है। देखिए एन से हमें क्या करना है, नेट से जाना है ग्रॉस पर, नेट से किस पे जाना है ग्रॉस पर, तो अब हम क्या करेंगे नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, देखिए नेट से हमें जाना है ग्रॉस पे, तो नेट से अगर हम ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस डेप, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, हम यहां पे लिख दिए प्लस डेप यानी प्लस डेप्रिशिएशन। अगर हम बात करते हैं माइनस एन एफ आई ए, नहीं, अब हम यहां पे हम बात करने वाले किसकी, दूसरे की, नेशनल से जाना है हमें कहां, डोमेस्टिक पर। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे, पीछे देखते हैं क्या आएगा, नेशनल से हम किस पे जाएंगे दोस्तों, डोमेस्टिक पर, तो हम क्या करेंगे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए, हम करेंगे माइनस एन एफ आई ए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं ना, तो एन एफ आई ए। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे एन एफ आई ए। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये तो सेम है अपना पी, इसको नहीं छेड़ना है, अब हमें क्या करना है, अगर देखिए दोस्तों किसी पे भी सेम रहे, मान के चलो यहां पे भी एन है और यहां पे भी एन है, यहां पे भी नेट है और यहां पे भी नेट है, तो हमें छोड़ देना है, अगला वाला देखना है। मान चलो यहां पे एन था, यहां पे डी था, तो हमने चेंज करा ना, लेकिन यहां पे भी एन होता और यहां पे भी एन होता तो हम चेंज नहीं करते, इसी जिस प्रकार से हमने पी और पी को चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब एमपी को और एफसी को हमें चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब हम एमपी से जाएंगे एफसी पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, किस पे से जाना है हमें, हमें जाना है एमपी से एफसी की ओर, तो हम क्या करेंगे एमपी से एफसी की ओर जाएंगे, तो हम माइनस करेंगे एनआईटी। ठीक है, माइनस एनआईटी करेंगे, माइनस कर देंगे हम एनआईटी। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसे स्टेप पे पहुंचोगे, नेशनल इनकम को सॉल्व कर जब आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे स्टेप पे पहुंचोगे जहां पर आपको इसकी क्या है जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये बात हो गई दोस्तों, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो आप जल्दी से, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सब कुछ करने के बाद उस स्टेप पे जाके आप जो है अटक जाओगे, इसलिए आपको करना बहुत जरूरी है। हाँ, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अब आपको दोस्तों जो सीधा सॉल्व कराऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें सीधे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपकी तीन विधि हमें करानी है, एक दो और ये तीसरी, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको कराई जाएगी आय विधि, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पूरी की पूरी आपकी आय विधि पे होगी, पूरी की पूरी आय विधि पे नेक्स्ट वीडियो। और उसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें शायद ये दोनों एक एक वीडियो में कराऊं, या ये दोनों विधि जो है एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी किस पे होगी? नेक्स्ट वीडियो होगी आय विधि पे, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा वहां पे, तब तक आप उन सब चीजों की प्रैक्टिस कर लो, सब चीजों की प्रैक्टिस कर लो जो भी अभी तक मैंने कराए हैं। मैंने आपको चरण पद वाले क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, जो राष्ट्रीय आय निकालते समय चरण पद, ठीक है, उन सबकी भी प्रैक्टिस कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें लेते हैं। जैसे आय विधि में क्या क्या करवाया था याद है आपको? परिचालन शेष, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, वो सब याद है। तो उसी प्रकार से उन सबकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी सीधा आपकी आय विधि आएगी और आपको आय विधि उसमें कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो तो कर दे लाइक, कमेंट कर दे आपको कैसी लगी वीडियो और समझ में आया कि नहीं, और शेयर कर दे अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी साथ में दबा दे, जिससे क्या होगा हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।